भारतीय पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को रिहा कर पाकिस्तान खुद को पाक साफ साबित करने की कोशिश में लगा है। पाक सरकार इस रिहाई को शांति का संकेत बता रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह दिखावा किया जा रहा है कि हम दुश्मनी नहीं चाहते, दोस्ती चाहते हैं। इतना ही नहीं, पाक अपनी इस पैंतरेबाजी से नोबेल शांति पुरस्कार हासिल करना चाहता है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या दुनिया उसके इस ढोंग पर विश्वास करेगी। पूरी दुनिया इस सच से वाकिफ है कि पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा पनाहगार है। हर कोई जानता है कि मानवता के दुश्मनों को पाक से ही पोषण मिल रहा है, जिसके खात्मे के लिए सभी देश साथ आ रहे हैं, उसे पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है। लेकिन बावजूद इसके पड़ोसी मुल्क नोबेल शांति पुरस्कार की उम्मीद कर रहा है, और वो भी तब जब वो सीमा पर लगातार गोलीबारी कर घाटी में नफरत का जहर घोल रहा है। जी हाँ, एक तरफ पाक की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ उसने भारतीय पायलट की रिहाई के सहारे नोबेल शांति पुरस्कार की मांग की है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तनाव घटाने में अहम भूमिका निभाने के लिए प्रधानमंत्री इमरान खान को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग की गई है। पाक के जियो न्यूज के मुताबिक सूचना मंत्री फवाद चौधरी के जरिए पेश किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत की आक्रामकता की वजह से दोनों देश युद्ध की कगार पर आ गए, लेकिन इमरान खान समझदारी के साथ हालात को शांति की ओर ले गए और इसलिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए। विभिन्न संघर्षों पर एशिया क्षेत्र में संवादों और उनके शांति प्रयासों के लिए इमरान खान को नोबेल पुरस्कार देने की मांग की गई है। 2020 में शांति पुरस्कार देने के लिए नॉर्वे की नोबेल समिति को एक ऑनलाइन याचिका भी भेजी गई है। पाक दिखावे के सहारे अपनी पैंतरेबाजी तो कर रहा है, लेकिन आतंक को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच से उसके खिलाफ उठ रही आवाजें उसकी कोशिश को झटका दे सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।